BTS के मेंबर्स कई बार बता चुके हैं कि उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है और सभी एक फैमिली जैसे हैं। इनफैक्ट अगर कोई एक BTS का मेंबर कुछ अच्छा करता है तो दूसरा BTS का मेंबर उससे इन्फ्लुएंस होता है, उससे और इंस्पिरेशन लेता है। लेकिन कुछ टॉक्सिक फैंस को ये बात शायद समझ में नहीं आती, क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद कई सारे लोगों का कहना है कि हमारे वी जंगकुक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वी को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जितनी जंगकुक को मिलती है, और इसीलिए जिन चीज़ों की वजह से जंगकुक फेमस है ना, वी वही करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वी जंगकुक से चिपके रहते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है, क्या ये बात सही है, वो जानने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जंगकुक और वी की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा यूनिक है और मुझे भी दोनों पर्सनली बहुत पसंद है। और कई सारी आर्मीज ये बात जानती हैं कि जंगकुक का कितना ख्याल रखा है वी ने, और कई टाइम्स पर वी का भी बहुत ख्याल रखा है जंगकुक ने। लेकिन कुछ फैंस जो कि जंगकुक के सोलो स्टैंस हैं, जो कि जंगकुक से ऑब्सेस्ड हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के आजू बाजू ही घूमती है, और इसीलिए जब BTS का कोई भी दूसरा मेंबर कुछ भी नया करने की कोशिश करता है तो वो हर बात में जंगकुक को ले आते हैं। और रिसेंटली भी ऐसा ही हुआ जब हमारे वी की न्यू कॉन्सेप्ट फोटोज लॉन्च हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपने वी की कॉन्सेप्ट फोटोज को ध्यान से देखा होगा तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि वी की जो ये न्यू फोटोज है ना, उसमें काफी नई नई चीजें वी ने ट्राई करी है। जैसा कि अगर आपने वी की कॉन्सेप्ट फोटोज को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि एक फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, जहां पर वी ने ना आईब्रो पियर्सिंग भी पहनी हुई है, और उसमें वी काफी ज्यादा हॉट और बोल्ड लग रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले भी वी के जो फोटोशूट्स आए थे, एक फोटोशूट में वी ने लिप पियर्सिंग पहनी हुई थी अपने लिप्स पर, क्योंकि उन पर बहुत अच्छी लग रही थी। इवन बहुत ही शॉकिंग बात ये है कि वी ने तो एक बार नोज पियर्सिंग भी पहनी हुई थी एक फोटोशूट में, जिसको देखकर आर्मीज काफी शॉक्ड हो गई थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो कि जंगकुक के स्टैंस हैं कि वी जंगकुक को कॉपी करे, क्योंकि आपको पता है ये फेस पियर्सिंग वाला जो ट्रेंड है BTS में जंगकुक ने ही स्टार्ट किया था। ये लिप पियर्सिंग, ये आईब्रो पियर्सिंग जंगकुक का ही ट्रेंड था। तो बहुत से लोगों का कहना है कि फेम पाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए वी भी जंगकुक को कॉपी करे, जबकि दोस्तों हमें इनसे लोगों से बस यही कहना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बात चाहे जंगकुक की हो या फिर किसी और की, वी को किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वी खुद में ही नई नई चीजें ट्राई करते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, और वो ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि किस किस फील्ड को वो अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर जंगकुक को कॉपी करने वाली कोई बात आती ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब वी ने लिप पियर्सिंग, नोज पियर्सिंग ट्राई करी थी तो वो उनके अपने फोटोशूट से, ना कोई और। साथ ही साथ अभी भी वी बस अपने फैंस के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वी पॉपुलर नहीं है, वो खुद में बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट वो सबसे हैंडसम मैन का खिताब तक जीत चुके हैं, अब उन्हें किसी को कॉपी करने की क्या जरूरत है। तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।